हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। 2001 में फरहान अख्तर और आमिर खान एक साथ दिल चाहते बना था। उसके 22 साल बाद यानी इस साल 2023 में फिर से फरहान अख्तर और आमिर खान एक साथ काम कर रहे हैं, और इसी बारे में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन उसके पहले, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 2001 में आमिर खान और फरहान अख्तर एक साथ दिल चाहते हैं बना था, लेकिन अब 2023 में फरहान अख्तर और आमिर खान फिर से एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए डायरेक्टर नहीं। मतलब फरहान अख्तर एज ए डायरेक्टर नहीं, फरहान अख्तर इस बार एक्टर है और आमिर खान इस बार प्रोड्यूसर है। यस, फरहान अख्तर आमिर खान के प्रोडक्शन में जो स्पेनिश फिल्म चैंपियन, जिसका रिमेक यहाँ पर बन रहा है, जिसका नाम है चैंपियन, इस फिल्म का हीरो एज ए लीड रोल कर रहा है। ये फिल्म पहले सलमान खान को ऑफर किया गया था, उनको पसंद नहीं था, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्टिंग आया तो सलमान खान इसको ना कर दिया। इसके बाद रणबीर कपूर को ऑफर किया गया, तो रणबीर कपूर ने पहले तो राजी था, लेकिन बाद में उन्होंने भी ना कर दिया। तो अब फरहान अख्तर इसके लीड रोल कर रहे हैं, मतलब एज ए हीरो ये फिल्म कर रहे हैं, और ये फिल्म डायरेक्ट कर रहा है आर एस स्पेशल। तो ये जो फिल्म है, इस फिल्म का शूटिंग अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद मतलब इस फिल्म का शूटिंग कंप्लीट होने के बाद फरहान अख्तर फिर से डॉन 3 का शूटिंग स्टार्ट करेंगे, और इसी वजह से जो जी ने जरा जो फिल्म था जिसमें आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा था, जो एक ट्रेवल मूवी था और काफी एंटीसिपेटेड मूवी था। 2019 में इसका अनाउंस हुआ था, फिर पेंडेमिक आ गया, इस वजह से इसको डिले हो गया। फिर ये साल कुछ दिन पहले ये पता चला था कि अक्टूबर से शायद इसका शूटिंग स्टार्ट होने वाला है, लेकिन फरहान अख्तर जो ये फिल्म कर रहा है, मतलब चैंपियन जो आमिर खान का प्रोडक्शन की फिल्म है, इस वजह से ये जो फिल्म है जी ले जरा ये फिल्म डिले हो गया। और ऐसे भी तीनों जो एक्टर है एक्ट्रेस है, इन तीनों का डेट भी एक साथ मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से ये फिल्म काफी डिले हो जाएगा। मतलब डॉन 3 के बाद शायद इसका शूटिंग स्टार्ट होगा, अभी तक कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं मिला, लेकिन ये फिल्म भी अननोन रीजन से ये डिले हो गया है, और कब स्टार्ट होगा इस बारे में कुछ पता नहीं चला। तो ये जो फिल्म है चैंपियन, ये फिल्म एक्चुअली स्पेन में की एक फिल्म के आधारित है, जिसका नाम है कैंपियन, जो मैंने कहा। और ये फिल्म का शूटिंग अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है, और नेक्स्ट ईयर ये फिल्म रिलीज होने वाला है। तो देखना ये फिल्म कैसे बनता है, और क्योंकि ये फिल्म कई सारे लोगों ने जो रिजेक्ट किया है, पहले सलमान खान फिर रणबीर कपूर, तो इस वजह से ये फिल्म के बारे में काफी लोगों का मतलब उत्सुकता है। आमिर खान ये खुद कर सकता था, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि ये काफी यंग रोल है, और ये वो करना नहीं चाहते क्योंकि वो अराउंड 60 के करीब हो चुका है। तो इस वजह से ये रोल के लिए फरहान अख्तर को चुना गया। तो देखना ये मूवी कैसे बनता है। ऐसे तो 2001 में जो फरहान अख्तर और आमिर खान एक साथ जो फिल्म किया था दिल चाहता है, वो काफी आइकॉनिक मूवी है, आज के भी उनके नाम लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद से जो फ्रेंडशिप का जो मीनिंग है वो काफी बदल गया है। मतलब लोगों के मन में जो फ्रेंडशिप का मीनिंग था वो काफी बदल गया है उस मूवी देखने के बाद। तो ये मूवी भी देखना ये कि उसे चैंपियन मूवी ये भी किया उसकी तरह रंग लाता है, क्योंकि इसमें भी आमिर खान और फरहान अख्तर फिर से प्यार हो रहा है, मतलब एक साथ काम कर रहा है। तो देखना ही है कि ये मूवी कैसे बनता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, ये जो चैंपियन मूवी बन रहा है, ये फरहान अख्तर के लिए कैरियर के लिए लैंडमार्क हो सकता है कि नहीं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।